हेलो एवरीवन इस वीडियो सीरीज़ के साथ हमारा एक टारगेट है कि हम माइक्रोसॉफ्ट एजो सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट या एक्सपर्ट सर्टिफिकेशंस को कंप्लीट करें लेकिन उस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिसे हमें कंप्लीट करना पड़ेगा पहले उनमें से सबसे पहला स्टेप है ए जेड डैश नाइन हंड्रेड सर्टिफिकेशन हेलो गाइज मेरा नाम हर्ष अंग्रा है और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ़्ट एज फंडामेंटल सर्टिफिकेशन है क्या उसके अंदर कौन कौन से स्किल्स और गाइडलाइंस आपको चाहिए ताकि आप सर्टिफिकेशन को ईजिली कंप्लीट कर पाएं और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कि इस सर्टिफिकेशन का लेवल क्या है सो गाइज लेट्स स्टार्ट इट इस सर्टिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको यह जानना कि अगर आपके पास कोई भी आईटी का एक्सपीरियंस नहीं है या नॉलेज नहीं है यह सर्टिफिकेशन आपके लिए बिल्कुल सुटेबल uh, है और इसी के थ्रू आप माइक्रोसॉफ़्ट एजोर टेक्नोलॉजी में ईजिली जा सकते हैं वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट और भी सर्टिफिकेशन ऑफर करता है बट ये उन लोगों के लिए है बिकॉज मेरा टारगेट इस वीडियो में है आपको बताना एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट सर्टिफिकेशन कंप्लीट करना एंड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन कंप्लीट करना उसके लिए ये मैंनेट्री है कि ये वाली सर्टिफिकेशन को पहले आप करेंगे ना दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की इसके इसके अंदर आपको एक फंडामेंटल नॉलेज मिलेगा डोंट थिंक कि आपको इसमें इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा और आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा कि कैसे करना है कहाँ जाना है कौन सा ऑप्शन किसके लिए है ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी लेकिन इसमें आपको मिलेगा क्या कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपकी क्लियर होगी फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एज ऑफ फंडामेंटल्स के अंदर चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें सबसे पहला है क्लाउड कॉन्सेप्ट जिसके अंदर आपको ये जानने को मिलेगा की माइक्रोसॉफ्ट एजोर सर्विसेज कौन कौन सी ऑफरिंग आपको देता है जैसे फॉर एग्जांपल uh, आपकी सॉफ्टवेयर एज ए सॉल्यूशन है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है और आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है तो उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आती है और उसके थ्रू आप क्या बिल्ड कर सकते हैं सेकेंड uh, जैसे ऑप्शन आपको मिलेगा कि कोर एज सर्विसेज की आपने उन सर्विसेज़ को जान तो लिया ऑफरिंग को जान तो लिया बट उसे डिप्लॉय कैसे करना है तीसरा उसे प्रोटेक्ट कैसे करना है उसमें एज सिक्योरिटी के कुछ पार्ट्स आ जाते हैं और लास्ट में एज प्राइसिंग जब आपको मैनेज uh, करना पड़ता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इन टर्म्स ऑफ मनी तो वहाँ पर आपका कॉस्ट मैनेजमेंट मैटर करता है तो माइक्रोसॉफ्ट एज वो भी ऑफर करता है कैसे आप उसे मेंटेन कर सकते हैं तो मैं जस्ट आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ जो आपके पास नॉलेज uh, हो जाएगी जब आप ये सर्टिफिकेशन को कंप्लीट कर लेंगे और जैसे मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है बुलेट पॉइंट की फर्स्ट स्टेप इनटू बिकॉज जैसे मैंने बताया कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एजो टेक्नोलॉजीज को सीखना चाहते हैं तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड टू गो थ्रू दिस सर्टिफिकेशन बिकॉज ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा और जैसे कि आप पिक्चर में राइट right साइड में देख भी रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेशन के कुछ पॉइंट बताए बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट एजियो फंडामेंटल्स को करने के बाद हम ये बाकी की एक्सपर्ट या इंटरमीडिएट uh, लेवल की सर्टिफिकेशन को कंप्लीट कर पाएंगे तो मेरा जो टारगेट है इस वीडियो सीरीज़ में एजियो uh, फंडामेंटल्स को कम्प्लीट करने के बाद हम uh, पहले कंप्लीट करेंगे माइक्रोसॉफ़्ट एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट सोल्यूशन आर्किटेक्ट एक्सपर्ट ये लेवल हमारा हो जाएगा बट जिन लोगों का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर में और जिनको डिवेलपर्स uh, लाइक like जो डेवलपर्स हैं और जिनको सॉफ्टवेयर uh, सोल्यूशनस में जाने का uh, मतलब उनकी विश है उनकी इच्छा है तो आई थिंक डेवलपर एसोसिएट सर्टिफिकेशन आपकी अच्छी रहेगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज योर फंडामेंटल्स अगर आप सिक्योरिटी फ्रीक हैं लाइक आपको साइबर सिक्योरिटी पसंद है आपको हैकिंग uh, और uh, मतलब uh, इथिकल हैकिंग और कैसे आप अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करते हैं कौन कौन से सिक्योरिटी सॉल्यूशंस हैं आप इन सब बिजनेस में करंटली काम कर रहे हैं सो एज फंडामेंटल्स के बाद आपके पास नेक्स्ट टारगेट है माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी इंजीनियर्स एसोसिएट और जैसे मैंने बताया अगर आपको एक्सपर्ट लेवल पर जाना है तो फर्दर जो डिवेलपर्स हैं उनके लिए सर्टिफिकेशन अवेलेबल है डेवोप्स इंजीनियर एक्सपर्ट जो मैं इसमें टच नहीं करूँगा बिकॉज uh, मेरी एक्सपर्टीज uh, नहीं है उसमें सो so, गाइज uh, ये तो एक है जनरल इन्फॉर्मेशन लेट मी ट्राई टू गिव यू लिटिल बिट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस सर्टिफिकेशन मैं कुछ और एक्स्ट्रा आपको uh, देना चाहूँगा इन सर्टिफिकेशन के बारे में माइक्रोसॉफ्ट बिलीवस टू एम्पावर एवरी वन ऑन दिस प्लानट उन्होंने सब लोगों के लिए सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाई है जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हैं और इवन जो कभी नहीं थे उनके लिए भी जो फ्रेशर्स हैं जो बिगिनर हैं उनके लिए भी तो एक्चुअली उनको रोल बेस सर्टिफिकेशन कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट में एक्चुअली अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं या आप एक डेवलपर हैं या आप एक फ्रेशर हैं और अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं एजो सर्टिफिकेशन में तो माइक्रोसॉफ्ट आपको काफ़ी सारी सर्टिफिकेशंस ऑफर करता है तो अगर आप इस लिंक पर आएँगे लिंक मैं कोशिश करूंगा आपको शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में नहीं तो आप डायरेक्टली इस लिंक पर भी आ सकते हैं सो so, जब आप इस इस लिंक पे आएंगे और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे तो वहाँ पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कौन कौन सी सर्टिफिकेशन अवेलेबल हैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ तो अगर आपका कोई स्पेसिफिक जॉब रोल है आप वो जॉब रोल सेलेक्ट करके पता कर सकते हैं कौन सी सर्टिफिकेशंस आपके लिए बेटर रहेंगी जैसे मैंने एडमिनिस्ट्रेटर मैंने चूज़ किया तो वहाँ पे मुझे पता कि ऑफिस 365 और माइक्रोसॉफ्ट एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट सर्टिफिकेशन मेरे लिए बेटर रहेंगी अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं तो और फॉर एग्जांपल अगर मैं डेवोप्स इंजीनियर हूँ तो कौन से सर्टिफिकेशन का पाथ मुझे बेटर uh, लगेगा और किस तरीके से मैं उसे कंप्लीट करूँगा तो अगर आप इनको फर्दर क्लिक भी करते हैं तो ये आपको और डिटेल्स में लेकर जाता है कि ये सर्टिफिकेशन है इस तरीके से करनी है फ़ॉर एग्जाम्पल अगर आपको डेवोप्स इंजीनियर एक्सपर्ट बनना है तो पहले आपको ये सर्टिफिकेशन करना है या ये सर्टिफिकेशन करना है उसके बाद ये करना है एंड फाइनली आपको एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन आप अचीव कर पाओगे स्टेप बाय स्टेप सो so, uh, इस तरीके से हम और ज़्यादा जान सकते हैं लेकिन अगर इनको अगर आप लोगों को नॉलेज चाहिए कि कौन कौन सी सर्टिफिकेशन अवेलेबल हैं तो आप सारी सर्टिफिकेशन को ब्राउज कर सकते हैं इस लिंक पे आकर आप सिंपली ये लिंक टाइप कीजिएगा और आपको यहाँ पर पूरी डिटेल मिल जाएगी कौन कौन सी सर्टिफिकेशन अवेलेबल हैं इन टोटल 126 रिजल्ट्स ट्वेंटी हैं दैट मीन्स 126 सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं विद इन माइक्रोसॉफ्ट तो uh, मुझे लगता है कि अगर आप ये लिंक पे जाकर डिटेल लेना चाहेंगे तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको काफ़ी कुछ नॉलेज uh, मिलेगी यहाँ पर आपको देखने के लिए सो लेट्स गो बैक टू आवर स्लाइड एंड आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ अब आप सब लोगों को पता लग गया है कि माइक्रोसॉफ़्ट कौन कौन सी सर्टिफिकेशन ऑफर करता है और कौन सी सर्टिफिकेशन आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी तो हम वापस आते हैं अपनी माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग पे जो हम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ़्ट एजोर फंडामेंटल्स एंड वहाँ पर अब हम जानेंगे कौन कौन से स्किल्स के रिक्वायरमेंट हैं और उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट कवर होते हैं जस्ट अ ब्रीफ आइडिया मैं डिटेल में अभी नहीं जाऊँगा हम क्योंकि आने वाली वीडियो सीरीज़ में उसको इन डेप्थ कवर भी करेंगे सो so, सबसे पहली चीज़ एज uh, कॉन्सेप्ट जो कि हमारा 15 टू 20 परसेंट कवर करता है तो इस पर्टिकुलर एज क्लाउड कॉन्सेप्ट में पहले तो आपको ये पता चलेगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या और माइक्रोसॉफ्ट एजोर क्या क्या ऑफ़र करता है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था इस वीडियो में की ऑफरिंग्स uh, में जैसे आ गया है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस या सॉफ्टवेयर एज ए सोल्यूशन माइक्रोसॉफ़्ट प्रोवाइड करवाता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइड करवाता है जिसमें सिकुल आ जाता है सॉफ्टवेयर बेस्ड काफ़ी एप्प्लीकेशन और काफ़ी फ़ीचर्स अवेलेबल हैं और ऑफरिंग्स अवेलेबल हैं जिससे आप अपने वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हैं आप अपना डेटा बेस डिप्लॉय कर सकते हैं वगैरह वगैरह अगर आपका ऑलरेडी सर्वर चल रहा है ऑन प्रेमिस में उसको आप एज uh, में कैसे माइग्रेट कर सकते हैं तो उसके लिए हमारे पास सर्विस ऑफरिंग है आई ए एस विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस जो मेरा भी डोमेन है तो उस डोमेन के अंदर किस तरह से एजो वी एम चलती हैं और कैसे हम उन्हें माइग्रेट कर सकते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं ये सारी इंफॉर्मेशन आती है एज्रो क्लाउड कॉन्सेप्ट में तो अगर आप ये वाला स्किल कवर कर लेंगे तो आपको एटलीस्ट नॉलेज हो जाएगी कि कौन सी ऑफरिंग्स हैं और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है एजोर ऑफरिंग्स के साथ इसको कवर करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कोर एज सर्विसेज जब आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार ये मेरे पास आ, पॉसिबिलिटीज़ हैं ऑफरिंग्स हैं एजो सर्विसेज में अब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा उन्हें डिप्लॉय किया कैसे किया जाए जो कि हमारा थर्टी टू थर्टी फाइव परसेंट कवर करेगा स्किल्स लेवल एजो फंडामेंटल सर्टिफिकेशन में तो इनमें आपको ये पता चलेगा कि अगर मैंने एजो वी बनानी है तो कैसे बनानी है उसका साइज़ क्या है उसमें रैम कौन सी है उसमें पर्टिकुलर माइक्रोसॉफ्ट रीजन में कौन कौन सी कैपेसिटी वाइज़ कौन सी वी एम्स अवेलेबल हैं और बहुत सारी रिलेटेड uh, चीज़ें इसमें पता लगेंगी जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी डिप्लॉयमेंट की और आप सीख लेंगे जब आप कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा उसे सिक्योर कैसे करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सिक्योरिटी प्राइवेसी कंप्लायंस एंड ट्रस्ट बिकॉज देखिए जब आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड में बनाते हैं डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो आपको uh, सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करवाती है बिकॉज आप अपना वर्कलोड चला रहे हो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लेकिन uh, अगर आपका कोई वर्कलोड है और डेफिनेटली आज की दुनिया में इंटरनेट से हर एक सर्विस को कनेक्ट करना ही पड़ता है तो हमारी हाईजैकिंग, हमारा uh, मतलब जो हैक uh, होता है हमारे सर्विस हैक होते हैं या फिर किसी तरह के मेलवेयर अटैक्स होते हैं रनसमवेयर अटैक्स होते हैं या Uh, मतलब किसी भी तरह से सर्वर को इन्फेक्ट किया जाता है वो सारी पॉसिबिलिटी खुल जाती है बिकॉज अगर वो क्लाउड पे है तो डेफिनेटली आप चाहेंगे कि कोई ना कोई इंटरनेट uh, का पोर्ट ओपन हो और वही बात कि आपका सर्वर कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए तो माइक्रोसॉफ्ट कौन कौन से सिक्योरिटी वाइज आपको पॉसिबिलिटी uh, या uh, आप, आप कह लीजिए कि uh, फीचर्स अवेलेबल करवाता है तो जैसे मैं उनके कुछ के नाम लूंगा जैसे डीडोस एक सर्विस है वो आपको प्रोटेक्ट कैसे करना है वो बताता है मतलब वो सर्विस ऑफरिंग है एजोर की आप उसे यूज करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने सर्वर को डीडोस अटैक से उसके अंदर आपका एनर्जी है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स है कौन से नेटवर्क से अलाउ करना है कौन से नहीं करना है एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी है कि कौन सी एप्लीकेशन को किस तरीके से अलाउ करना है कौन से पोर्ट पर चलाना है मतलब वगैरह वगैरह रिलेटेड टू सिक्योरिटी प्राइवेसी कम्प्लायंस आप सेट कर सकते हैं कि ये मैंने आ, मेरा वर्कलोड बनाया है मेरा सर्वर बनाया है उसको कोई और डिलीट ना कर पाए या कौन कर पाए तो ये कम्प्लायंस और ट्रस्ट मतलब अगर आपका ऑन प्रमिसेज के साथ कम्युनिकेट करना है तो किस तरीके से आपको डिप्लॉयमेंट करनी है तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको एजो सिक्योरिटी प्राइवेसी में मिलेगी जो आपका ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट कवर करेगा नॉलेज आपकी और इन सब के बाद लास्ट हमारा आता है एजो प्राइसिंग एंड सपोर्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज uh, देखिए जब आपको आपको एक uh, काम देती है आप आप अगर ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर बोलेंगे हे hey, मेरे पास डॉलर है मेरे फाइव हंड्रेड डॉलर है या मेरे पास फिफ्टीन हंड्रेड डॉलर है उसमें आपको यह सर्वर चलाना है तो उसमें आपको क्या क्या देखना पड़ेगा आपको सर्वर का साइज देखना पड़ेगा ताकि आप, आपकी एप्लीकेशन हेल्दी वाइज चले आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे आप उसे अपने सर्व को प्रोटेक्ट कर पाएंगे आपको ये भी देखना पड़ेगा कितने लोग कनेक्शन मतलब कनेक्शन जिनको अलाउ करना वो कैसे करेंगे तो मतलब बंच ऑफ चीजें सोचनी पड़ेंगी और उसके बाद आपको ये भी देखना पड़ेगा यार ये सब ऑफरिंग के बाद मेरा प्राइस लेवल कहाँ तक जा रहा है बिकॉज मुझे कंपनी ने इतना ही अमाउंट देना है तो ये सब आपको एजो प्राइसिंग में आइडिया लगेगा आपको ये भी पता चलेगा कि कॉस्ट मैनेजमेंट में कैसे आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं कैसे आप रिपोर्ट बना सकते हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आप सबमिट कर पाएंगे तो ये सारे डिटेल्स आपके ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट स्किल्स में कवर्ड होंगे आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि एजो फंडामेंटल्स में किस तरह की नॉलेज आपको मिलेगी लेकिन उससे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप अब ये नॉलेज आ गई आपके पास इमेजिन कीजिए जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका है आप एग्जाम कैसे बुक करेंगे क्योंकि देखिए ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं कोविड नाइन्टीन चल रहा है पूरे वर्ल्ड में एंड बहुत लोग अफेक्टेड हैं प्लीज गाइस स्टे सेफ स्पेशली इन इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ऑल दीज कंट्रीज जो हिंदी को समझते हैं अफगानिस्तान जहां पर भी हैं प्लीज़ आप घर पे रहिए स्टे एट होम एंड प्रोटेक्ट योर फैमिली एंड योर सेल्फ अपने आप को बचाइए आसपास के लोगों को बचाइए अपनी फैमिली को बचाइए और जो गवर्नमेंट आपके लिए आ, कुछ दिनों के लिए रूल्स लागू करती है एक्चुअली दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सॉरी ये सही जगह नहीं है उसको शेयर करने के लिए बट ये आई एम जस्ट कंसर्न अबाउट कोविड नाइन्टीन बिकॉज काफ़ी लोग काफ़ी लॉस हुआ है ह्यूमन्स uh, को तो प्लीज टेक केयर गाइस ऑलराइट लेट्स कम बैक टू आवर वीडियो सो अब हम uh, ये जानेंगे कि uh, हम शेड्यूल कैसे कर सकते हैं एग्जाम बिकॉज uh, अब आप किसी सेंटर पे जाके एग्जाम नहीं दे पाएंगे एटलीस्ट इन दिनों में जब तक ये सिचुएशन चल रही है तब तक लेकिन अगर कोई एग्जाम देना चाहता है तो कैसे देंगे प्लीज़ फॉलो द नेक्स्ट स्टेप नाउ माइक्रोसॉफ्ट के साथ एग्जाम बुक करना गायज बहुत ही आसान है बहुत ही सिंपल है आपको करना क्या है सिंपली आप अपने किसी भी सर्च इंजन के ऊपर जाइए चाहे वो गूगल हो या बिंग हो वहाँ पर टाइप कीजिए ए जेड डैश नाइन हंड्रेड या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज फंडामेंटल सर्टिफिकेशन और आपका जो भी फर्स्ट लिंक होगा उसे ओपन कीजिए या फिर आप डायरेक्टली इस लिंक पर भी आ सकते हैं मैं कोशिश करूंगा ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करने के लिए आ, तो आ, आप इस लिंक पर आइए और थोड़ा सा नीचे स्क्रोल कीजिए वहाँ पर आपका सबसे पहला स्टेप होगा कैजुअल एग्जाम आपको क्लिक करना है स्केज विथ पी एस व्यू तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा जो कि होगा ये एक्चुअली ये नहीं होगा इससे पहले आपको यूज़र नेम और पासवर्ड को लॉग इन करने के लिए बोलेगा सो so गाइज अगर आपके पास हॉटमेल का अकाउंट ऑलरेडी है आप उससे भी लॉगिन कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप एक नया क्रिएट कीजिए और उससे लॉग इन कीजिए लॉगिन करने के पास आपके पास ये पेज आएगा तो आपको सबसे पहले ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है आपकी जॉब टाइटल क्या है आपके पास एड्रेस क्या है आपका कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स के आप रहते कहाँ हैं वगैरह वगैरह सारी डिटेल देने के बाद आपको कंटिन्यू करना है सेव एंड कंटिन्यू पे अब आप जब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो वहां पर सबसे पहले तो जो अनलिंक अकाउंट ये जो किया हुआ है एक्चुअली मैं माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करता हूं तो मैंने अपना माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल अकाउंट मैंने एसोसिएट किया हुआ है यहां पे अगर आपने नहीं किया और आप माइक्रोसॉफ्ट में काम नहीं करते तो डोंट वरी आपको सिंपल क्लिक क्या करना है गो टू पीएसएन व्यू आपको इस पे क्लिक करना है राइट गाइज right आपने जब क्लिक uh, किया तो आपके पास ये स्क्रीन आएगा तो जैसे मैंने बताया कि डेफिनेटली सेंटर्स पे जाना तो मुश्किल होगा तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं एट माय होम और ऑफिस और यहां पर बाय डिफॉल्ट आपके पास एक ऑप्शन आएगा रन प्री चेक गाइज ये जरूर करना और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप uh, यूज कर रहे हैं इट मस्ट हैव इनफ रिसोर्स टू रन द एग्जाम बिकॉज एटलीस्ट ऑन द नेटवर्क प्रोस्पेक्टिव उसके अंदर आपको आपका जो नेटवर्क uh, बेनिविट है वो कम से कम वन एम बी पी एस डाउनलोड और अपलोड नॉट और एंड अपलोड होनी ही चाहिए ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपके पास वेब कैम होना चाहिए बिकॉज जब आपका ये एग्जाम्स कैजल करेंगे वो आपको बोलेंगे कि आप मुझे अपनी जगह दिखाइए आप कहाँ बैठे हैं बिकॉज आप जहाँ बैठे होंगे उसके पास कोई आपका वीडियो कैमरा नहीं होना चाहिए आपका कोई मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए आपका कोई और लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं होना चाहिए कोई कॉपी नहीं होनी चाहिए कोई पेन नहीं होनी चाहिए कोई वॉच नहीं पहनी होनी चाहिए मतलब अगर आप पूरी तरीके से सेफ से हैं मतलब आपके पास कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जिससे उनको लगे कि आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते तब तक आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे सो प्लीज़ गाइस कीप इन योर माइंड आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए आप बिल्कुल थोड़ी दूर बैठे होने चाहिए आपके पास एरिया आपके हैंड जहां जहां तक पहुंच रहे हैं वहां तक कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिनसे उनको डाउट हो कि आप एग्ज़ाम को चीट कर पाएंगे सो so, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप रन प्री चेक जरूर चेक कीजिए आपको ये पता लग जाएगा कि आपका होम एन्वामेंट ठीक है या नहीं अगर आपका नहीं है तो आप ऑफिस में भी जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं आपने चलो अगर आपने डिसाइड कर लिया है होम हाँ, और ऑफिस में जहाँ पर भी देना है आपने सिंपल क्लिक करना है नेक्स्ट पे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एग्रीमेंट uh, को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो कि नॉर्मल है बाकी हम <laughs> पढ़ते तो नहीं है इनको लेकिन रेकमेंड यू टू रीड ऑल द इन्फॉर्मेशन अब आपको एग्जाम कौन सी लैंग्वेज में देना है ऑब्वियसली हम इंग्लिश में देना प्रेफर्ड करेंगे सो क्लिक नेक्स्ट अब एग्ज़ाम देने के बाद आपको टोटल प्राइस दिखाएगा आपका एग्ज़ाम का नाम दिखाएगा अगर आपको डिटेल और जानिए कि एग्ज़ाम किस तरीके से लिया जाएगा तो प्लीज़ गो थ्रू द टेस्टिंग पॉलिसीज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो इसके देने के बाद अगर आपने रीड कर लिया है अच्छे से तो क्लिक नेक्स्ट सो गाइज इन द नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है हमने सेलेक्ट करना है डेट्स जिन डेट्स को हम एग्जाम दे सकते हैं रिमेंबर गाइज मैं ऑलरेडी एग्जाम दे चुका हूं तो मैं डेफिनेटली आपको कंप्लीट प्रोसेस तो नहीं दिखा पाऊंगा जो ट्रांजेक्शन है बट ये लास्ट स्टेप है यहां पर आपको चूज करना है कि आपको एग्जाम कितने बजे देना है अपने टाइम के हिसाब से सो फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं इन इवनिंग फाइव फाइव तो जैसे मैं 545 फोर्टी फाइव सेलेक्ट करूंगा अभी तो मुझे दिखा रहा है बिकॉज मैं ऑलरेडी एग्जाम दे चुका हूं सो so मुझे अलाउ नहीं कर रहा तो वो कह रहा है कि 2021 में एग्जाम दीजिएगा बट एनी तो इसके करने के बाद आपको ये सिर्फ नेक्स्ट स्टेप पे जा, जाएगा जहां पर आपको ये कहेगा प्लेस एंड ऑर्डर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और आपका एग्जाम बुक हो जाएगा एग्जाम बुक होने के बाद एक ईमेल आएगा उसमें आपको बताया जाएगा कि क्या क्या आपको डिटेल्स फॉलो करनी है एग्जाम देने से पहले वन लास्ट थिंग आपको थर्टी मिनट्स पहले अवेलेबल रहना पड़ेगा एग्जाम देने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने माइंड में रखना लेट मत होना बिकॉज उनको कुछ चीजें चेक करनी पड़ती हैं और एग्जाम उनका सही टाइम पे शुरू होता है सो so गाइज अब हमें पता है माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम कैसे बुक करना है सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि माइक्रोसॉफ्ट एज फंडामेंटल सर्टिफिकेशन में कितने क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं सो so गाइज सबसे पहली चीज अराउंड फोर्टी क्वेश्चन आते हैं और उसमें से ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है जहां आपको दो या तीन ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं तीन से चार क्वेश्चन आते हैं और रियल टाइम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आई थिंक वन और टू आते हैं जनरली वो क्या करते हैं एक सीनेरियो बनाते हैं उसमें डिटेल आपको रीड करनी पड़ती है कि किस तरह का सीनैरियो है बेस्ड ऑन दैट वो क्वेश्चन आपको डिप्लॉय uh, uh, करते हैं तो आपको वहाँ पर आंसर देना पड़ता है वो भी आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं और उसके साथ साथ uh, वहाँ पर एक ऑर्डर वाइज भी होते हैं फॉर एग्जाम्पल कि ये मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा है कि पावर शेल को मैं कहाँ रन कर सकता हूँ या ये कमांड पावर शेल की है या नहीं है तो इस तरह के कुछ ऑर्डर्स होते हैं तो वो हमें ऑर्डर वाइज सेलेक्ट करके वहाँ रखने पड़ते हैं जिससे हमारा आंसर बनता है और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो नया इस एग्ज़ाम में आया है जो पहले नहीं आता था कि वहाँ पर आपको एक एक तरह का एशो पोर्टल दिखेगा या फिर एक स्क्रीनशॉट दिखेगा जहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा कि उसका ये आंसर है जैसे कि मैं आपको कहूँ कि अगर मुझे एक मतलब मुझे कुछ कमांड्स है मेरी वो मुझे रन करनी है एजोर वी एम बनाने के लिए और वहाँ पर एक पोर्टल दे रखा तो मैं कहाँ रन करूँगा तो वहाँ पर ऊपर एक क्लाउड शेल बना होता है एजोर क्लाउड शेल का उस पर आपको क्लिक करना है वो आपका आंसर होगा ये मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल जस्ट आइडिया दे रहा हूँ किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं सो आई थिंक इट्स नॉट गोना बी डिफ़िकल्ट मुश्किल नहीं होगा आपके पास प्रॉपर नॉलेज है हर एक चीज़ की uh, तो uh, आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा तो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही लेकिन मैं आपके साथ जाने से पहले कुछ बोनस इंफॉर्मेशन और कह सकते हैं आप एडिशनल इंफॉर्मेशन भी शेयर करना चाहता हूं जो आपको सर्टिफिकेशन कंप्लीट करने में बहुत बहुत हेल्प करेगा नंबर वन सबसे पहले हम जाते हैं अपने उसी लिंक पे जो आपको मैंने एग्जाम को बुक करने के लिए शेयर किया था तो यहां पर अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो सबसे पहली चीज यहां पे स्किल मेजर के बारे में कुछ डिस्कस किया गया जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिए उसको रिव्यू कीजिए अच्छे से चेक कीजिए एंड उसके बाद आप अपना आ, मतलब आगे बढ़िए बिकॉज यहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट कौन से स्किल्स में आएंगे तो काफ़ी आसान हो जाता है मैंने एक बार पढ़ा था और मैं रेकमेंड करूँगा हर एक को कि एक बार एटलीस्ट इसके इसको पढ़ लीजिएगा उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपनी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स दिए हुए हैं तो वहाँ पर टोटल बारह मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स हैं और उसमें हर एक के अंदर अराउंड Uh, बारह वीडियो या आठ वीडियोस कुछ इस तरीके से दी हुई है डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी और स्किल्स लेकिन मैं एक बात बताता हूँ अगर आप इन्हें पढ़ लेंगे यस इट इज़ गुड मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा इट इज़ वेरी गुड अगर किसी को कुछ भी नहीं पता इन वीडियो को करने के बाद उसको काफ़ी कुछ नॉलेज हो जाएगी बट मैं अभी भी रिकमेंड करूँगा इनको पढ़ने के बाद आप सर्टिफिकेट कंप्लीट सर्टिफिकेशन कंप्लीट करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो उससे बेटर है इसीलिए उन्होंने साथ में ही दे रखा है कि आप पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं और ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी ले सकते हैं इन चीज़ों की बट आई वुड प्रेफ़र कि अगर आप मेरी वीडियोज़ को फॉलोअप करेंगे आने वाले टाइम में तो आप को uh, मतलब मैं नॉट गटिड दैट्स नॉट द राइट वर्ड बट मैं मैं कॉन्फिडेंट हूँ मैं श्योर sure हूं कि 100% परसेंट श्योर हूँ कि आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे बिकॉज uh, मैं आने वाले टाइम में एक सेशन uh, भी रखूंगा वहां पर मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा और आपको आंसर भी करूँगा uh, आने वाले टाइम में सो आई थिंक ये सब इन्फॉर्मेशन uh, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके एग्जाम को कम्प्लीट करने में अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी अगर आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए रिगार्डिंग बैचेज रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन पाथ ट्रेनिंग्स सो आप आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं बट आप इसे स्किप भी कर सकते हैं तो ये थी एक इंफॉर्मेशन नाउ नंबर टू इंफॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में ही ये लिंक शेयर किया है और बनाया है जिसमें इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट लर्न के नाम से इंट्रोड्यूस किया है जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के काफ़ी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनकी ट्रेनिंग्स अवेलेबल है आपको ये सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाएंगी जो कि है ये लिंक अगर आप इस लिंक पर जाएंगे ऊपर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी चाहे वो एजो फंडामेंटल्स हो पावर बी हो ऑफिस थ्री हो आपको ये सारी टेक्नोलॉजी नॉलेज एक जगह पे मिल जाएंगे और आई वुड रेकमेंड अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो प्लीज गो थ्रू दीस ट्रेनिंग्स काफी हेल्प करेंगी काफी अच्छी हैं एंड लास्ट जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था हम कोविड 19 सिचुएशन में हम मैं मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक नया ब्लॉग रिसेंटली uh, uh, उन्होंने बताया है उस ब्लॉग में बताया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन uh, के लिए पर्सनस को uh, मतलब और uh, अपॉइंट कर रहा है आई I मीन mean, उनकी नंबर uh, ऑफ uh, जो अपॉइंटमेंट है वो बढ़ा रहा है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्ज़ाम दे पाएं बिकॉज पहले सेंटर में जाके दिए जाते थे और कुछ लिमिटेशन होती थी एग्जामिनेशन को देने के लिए ऑनलाइन क्योंकि प्रॉक्टर एक पर्सन अवेलेबल रहता है जो आपकी वेरीफिकेशन करता है हर एक डॉक्यूमेंट की एंड येस गाइज वन मोर थिंग अगर आप एग्ज़ाम देने चाह रहे हैं आप प्लीज़ अपनी आईडी लेके जाइएगा कोई भी नेशनल आइडेंटिटी आप यूज़ कर सकते हैं आपका आधार कार्ड चलेगा अगर आप इंडिया में हैं आपका पासपोर्ट तो डेफिनेटली चलेगा ही चलेगा तो उसमें आपका वही नाम होना चाहिए जो आपने प्रोफाइल में नाम दिया है एग्ज़ाम बुक करते वक्त उसमें कोई मिस्टेक मत करना सो अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं रिस्कजल कैंसिलेशन ये भी उन्होंने थोड़ी फीस को थोड़ा सा बेटर किया है कि कहीं कभी कभी लोग एग्ज़ाम कैंसिल कर देते हैं उसके बाद वो क्या कर देते थे आपको अमाउंट वापस नहीं देते थे बट अब उन्होंने शायद कुछ अमाउंट कुछ डेट्स बढ़ाई हैं तो सिमिलरली मैं बोर नहीं करूँगा आपको ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास टाइम हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट के इस लिंक पर जा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स भी ले सकते हैं सो so गाइज uh, मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये ट्रेनिंग काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी और काफ़ी कुछ नॉलेज मिली होगी एग्ज़ाम को स्टार्ट करने के लिए अब हम एज फंडामेंटल्स की काफ़ी वीडियोस में लेके आऊंगा और मैं कोशिश करूँगा उनको छोटी से छोटी और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल भी मिल पाए। सो गाइज टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली हेल्थ एंड एन्जॉय योर टाइम पीस